हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी, जय माँ विंध्यवासिनी। देखिए, ये वीडियो बनाने का बस एक ही कारण है कि ये जो सबकी गुंडागर्दी है, जो सब लोग अपने सोचते हैं कि हम जैसा कोई नहीं है, तो मैं इनको कुत्तों को ये बता दूं कि साले तुम लोग साल भर मुझसे कमा के ना आज जो होशियारी दिखा रहे हो ना, साल भर मुझसे कमाए, तुम्हारी खुद की औकात नहीं थी 5,000 जेब में रह सके, समझे? और मुझसे लेना मत पंगा, क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ अपनी सोशल मीडिया की ताकत दिखा रही हूँ, पैसों की ताकत तो मैंने दिखाई नहीं है। नहीं तो तुम जो पैसे की ताकत दिखा रहे हो, जब मैं पैसे की ताकत दिखाने लगूंगा ना, तुमको लोग भगा भगा के मारेंगे। और मैं पैसों की ताकत नहीं दिखाऊंगी, मैं तुम सभी का नंबर सोशल मीडिया यूट्यूब पे नंबर और एड्रेस डाल दूंगी, फिर मैं नहीं, मेरी पब्लिक तुमको घुस के मारेगी, समझे? ये जो तुम लोग दिखा रहे हो ना मर्दांगनी, की एक औरत क्या बिगाड़ लेगी, एक औरत बहुत कुछ बिगाड़ सकती है, समझे? ये कोई मेरे को उकसाओ मत तुम लोग, क्योंकि मैं बता रही हूँ, जिस दिन मैंने 2 दिन पहले जब मैं पुलिस स्टेशन में जाके FIR दर्ज किया है, गवाही दर्ज की है, तो ये गुंडे बड़े होशियारी में सारी सेटिंग करके मेरे घर बिंदास, मतलब क्या उखाड़ लेंगे। ये आरिफ शेख जिसका फोटो डाला है, ये आरिफ शेख बिंदास दिन दहाड़े घर, मेरे घर के बाहर आज मैं मैक्सेस मॉल पे अपने उन लड़कों के साथ खड़ा था जिन लोगों का मैंने नाम लिया था, मोरे शिंदे, बकायदा क्या बोलते हैं, नितिन परदेसी, टॉमची, मतलब उस विक्रम चौधरी, क्या बोलते हैं, रोहित, इन सबके साथ खड़े थे, जो कि हम पुलिस वालों को कॉल भी कर रहे हैं, कोई उठा नहीं रहा है, बोल भी कर रहे हैं, सामने खड़े, ऐसे सेटिंग, ये सेटिंग आप बुरा मत मानिएगा सर, आप लोग जो भी पुलिस वाले, मैं एक बात बोलूँगी, मतलब कानून नहीं है क्या, बता दीजिए मुझे, कानून नहीं है? एक 7 महीने की औरत, मैं फ्रस्ट्रेट में आके नहीं मैसेज ये कर रही, मैं सोशल मीडिया में ऐसी बैंड बजाऊंगी, क्योंकि मुझे दिख रहा है आप लोगों की लापरवाही के कारण एक आदमी बिंदास बाहर घूम रहा है, बिंदास सबको बिंदास ड्रग्स डीलर कर रहा है, ड्रग्स का धंधा कर रहा है। पैसों की ताकत चाहिए, पैसे चाहिए क्या आपको? लो ना मुझसे पैसे, मैं देती हूँ। अगर पैसों से ही अगर आप लोग कानून को कहते हैं ना दे सकते हो इंसाफ, तो लो मुझसे पैसे, क्योंकि जो पैसे आपको दे रहे ना भड़वे लोग कुत्ते, ये मुझसे कमा के लिए साल भर, इनकी खुद की औकात नहीं थी। जब इन लोग को महीने का दिन, मेरे पास 10-15 लड़के मेरी सेफ्टी के लिए काम करते थे ना, तो ये लोग मैं इसे महीने का 2 से 2.5 लाख रुपए कमाते थे, समझे? इनकी खुद की औकात कुछ नहीं है। मैं वन मैन शो जीती हूँ, मैं आज तक वन मैन शो आगे बढ़ी हूँ, मैं किसी 50 गुंडों को लेके आगे नहीं बढ़ी हूँ। ये लोग तो मेरी रखवाली करने के नाम पे भी कोई रखवाली नहीं करते, तो उल्टा शायद मुझे लगता था मैं इनको बचाती थी। एक गुंडागर्दी एक जबरदस्ती हो गई है, एक आरिफ शेख की जबरदस्ती हो गई है। मैं अभी भी बोल रही हूँ, आप क्या मुझे बोला गया हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, मुझे हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं लगाना है, लेकिन ये बंदे की इतनी औकात है, बकायदा 3130 लेके गाड़ी मेरे, उसको मैं सामने से उसकी फोटो निकाल रही थी, झूठ लगे तो खाड़ी पे खड़ी पुलिस को पूछो, वहाँ पे वो लोग बिंदास खड़े थे गाड़ी लेके नीलम प्राइड के सामने, में इनके सामने उतर के चल रही, और उन लोग ने गाड़ी लेके भागे। 12 बजे तक मैंने इन लोग का पीछा किया, लेकिन किसी पुलिस वाले ने कॉल नहीं उठाया, वहाँ पुलिस की गाड़ियाँ घूम रही, लेकिन किसी ने उन लोग को अरेस्ट नहीं किया, कि चलो अच्छी बात है। ये गलत बात है ये जो इन लोग कर रहे हैं, आप ये देखिए, ये सोशल मीडिया पे बोलना इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग जो कर रहे हैं लापरवाही मत कीजिए। इंसान स्टेटमेंट देता है, सब करता है, बकायदा FIR दर्ज कीजिए। कोई एक 7 महीने की लेडीज अगर इनके नाम पे FIR दर्ज कर रही, तो बहुत बड़ी बात है, जब ड्रग्स का नाम डाल रही बहुत बड़ी बात है, समझे? ये लोग, मैं बिंदास बोलती हूँ, मैं कोई शर्म नहीं है, मैं साल भर जब बीमार थी, ये लोग थी इसलिए बीमार थी कि ये लोगों ने मुझे भी वो आदत डाली थी, मैं अघोरी हूँ, मैं ड्रिंक करती हूँ, ये लोग ने मुझे भी उस गंदी चीज़ गंदी की लत डाली थी, मुझे भी ड्रग्स दिया था जबरदस्ती, साल भर मुझे बेहोश रखा था, तो भी मैं पूजा पाठ कर रही थी, तो भी साल भर विद्या देवी ने पूजा पाठ की है, साल भर काम किया है, क्योंकि मेरे को अघोरियों को कुछ नहीं होता है, समझे? तो भी मैं बची हूँ, इस बात के गवाह मेरे खुद के बच्चे हैं, ये तो मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मैं बच गई, नहीं तो शायद लोगों ने मुझे मार दिया होता। 22 अप्रैल को भी इस नितिन परदेसी, आरिफ शेख, समीर, सबके सब मेरे घर पे थे, लोगों ने मुझे जहर दे के भागने की कोशिश की, तो मेरी बेटी ने इनको रोका था। ये स्टेटमेंट मैं इसलिए दे रही हूँ इस पे, क्योंकि ये लोग अब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं प्रेग्नेंट होके मेरी नस गायब है हाथ की, मैं गांव में जब गई थी ना डॉक्टर के पास, डॉक्टर मेरे को नस ढूंढ रहे थे, मेरे हाथ की नस नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं इतनी फ्रस्ट्रेट होकर सब डाल रही हूँ। ये लोग इतने गिरे हुए हैं कि जिससे कमाते उसको, मतलब इन लोग को ये था कि एक औरत को नशे में डालो, हम लोग को कमाने मिलेगा, काम में नहीं। तो भी मैं, मेरी शक्तियाँ हैं, जो मैं इतनी पूजा पाठ की शक्तियाँ करती हूँ ना, शक्तियों ने मुझे बचाया है, समझे? मैं किसी से डरती नहीं हूँ सच बोलने से, इन लोगों ने नशे में डाला था, लेकिन उससे बची हूँ मैं, और जिसकी वजह से बची थी इन लोग ने उसको भी बीमार किया, जिसकी वजह से मैं बची हूँ ना उसको भी इन लोग ने बीमार किया, उसको भी डाला, उसकी भी जान लेने की कोशिश की, और आज भी उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे, खुलेआम बोल रही, मेरी वजह से कोशिश कर रहे उसकी जान लेने की, क्यों ना हो, उसके पीछे भी आए दिन पड़े, उसका घर से बाहर निकलना मुश्किल है, क्यों भाई क्यों? मैं तो बिंदास, मैं आई थी ना परसों, मैं तो बिंदास गाड़ी के सामने आके खड़ी हुई थी, लो मैं आ गई, मारो, मेरी वजह से झगड़ा, मुझे मार दो, क्यों भागे? और भागने के बाद देखो दादागिरी, तो देखो जिस बात की मैं कंप्लेंट लिखवा रही हूँ कि मेरे घर के सामने घूम रहे,
बिंदास परसों से घूम रहे हैं। ये लापरवाही है, बुरा नहीं मानना, मैं किसी को गाली नहीं दे रही हूँ, ये लापरवाही हमारी बोरीवली पुलिस स्टेशन वालों की कि इस तरह से ऐसे लोगों का साथ दे रहे। मैं परसों गई हूँ ना, स्टेटमेंट दी हूँ ना, तो क्यों नहीं इन पे एक्शन लिया गया, क्यों नहीं ले रहे? अरे ये लोग आप समझ क्यों नहीं रहे, ये लोग ड्रग्स डीलर है सबके सब, बिंदास ड्रग्स है। सोचो मैं जैसे बची हूँ, मेरे घर में मेरी बेटियाँ थी, सब बची हैं, वो लोगों ने सबूत है, वो लोगों ने भगाया है, लोगों ने होश में नहीं रहने दिए। 22 अप्रैल को लोगों ने मुझे जहर देके भागने की कोशिश की थी, वो तो मेरी बेटियों ने बोला कोई भी भागा तो पुलिस स्टेशन जाऊंगी। मेरे को पुलिस वाले लोग पूछते तू इतना दिन क्यों नहीं आ रहे, जब होश में रहेगा तब आदमी, बीमार आदमी आएगा ना, बीमार आदमी जो होश में रहेगा तब आएगा ना। जब मैं तो पूजा पाठ में रहती थी, ये तो अच्छा था कि मैं पूजा पाठ में रह के इन लोगों को कुछ नहीं, मेरा सामान बचा है, मेरा मेरे लोगों का जो पैसा है ना, जिन लोगों ने मुझे लॉटरी में सबने नाम लिखा वो कहीं और पड़ा था, नहीं तो शायद मुझे कब का मार के लोग लेके भाग गए होते। कंपनी नाम है इनका, कंपनी बोली जाती है इनकी, इनकी दादागिरी है। मैं जब परसों पुलिस स्टेशन गई तो मैंने सुना तो कोई बीजेपी वाले सब आके इन लोग का सपोर्ट करने के लिए पॉलिटिक्स वाले खड़े थे। अरे आप लोगों को पता है क्या ये लोग कौन है, किसका साथ दे रहे हो आप लोग, किसका साथ दे रहे हो आप लोग? ये लोग ड्रग्स डीलर हैं, बिंदा अभी सुशांत सिंह के केस में भी सब निकले, इनका भी नाम निकलेगा। ये लोग बिंदास दिन दहाड़े, इन लोग को कोई शर्म नहीं है, इनको कोई परवाह नहीं है कि इनके साथ क्या हो रहा है, इनको कोई नहीं पकड़ रहा है। मतलब एक इंसान मर जाएगा, सब हो जाएगा, तब आएंगे कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, कोई कार्रवाई नहीं, स्टेटमेंट की। मतलब 7 महीने एक औरत पेट से होके आपके पुलिस स्टेशन में आके गवाही लिखा रही, 1.5 से 2 घंटे आप मुझे पूछताछ कर रही हो, हाँ सब कर रही हो कि प्रेग्नेंट कैसे हो, ये कैसे हो, वो सारा वो मायने रखता है कि ये मायने रखता है कि आपके साथ सामने वाला क्या कर रहा है? हाँ मैं बता भी रही हूँ कि मेरी वजह से सारा झगड़ा, मेरी वजह से वो सामने वाले बंदे को मारा जा रहा है बार बार जानबूझ के। उनको इस बात का गुस्सा है कि सामने वाले बंदे की वजह से हम लोग को काम पे से निकाला गया, उस वजह से काम पे से नहीं निकाला गया, काम पे से इसलिए निकाला गया कि ये लोग, मैं जानबूझ के मना करने के बाद भी जबरदस्ती ये सब चीज़ें दिया जा रहा था तो बार बार। लेकिन उस चीज़ में मेरा कंट्रोल पावर इतना अच्छा है, मेरी माता रानी का आशीर्वाद था मेरी पर, कहते ना जो जिन परी की बोलते ना सिद्धियाँ, मैंने उनसे हमेशा पावर मांगा, उनका आशीर्वाद था कि मैं बची और इनको इन्हीं वजह से भगाया घर से, कि ये लोग नहीं सुन रहे थे, इनको कोई परवाह नहीं है, मरता है। हमारे गोराई में 2-3 लोगों का केस हुआ, लोग मरे। परसों पुलिस स्टेशन में मेरे को बकायदा मेरे घर सामने से आके मेरे को रिक्वेस्ट किया गया, हमारा नाम मत लो, ये मत लो। अरे नाम मत लो तो छूतेगिरी क्यों? हाँ मेरे को फोर्स किया जा रहा है, हमारा नाम मत डालो, ये मत डालो, और बकायदा मेरी गाड़ी का पीछा किया जाता है। हाँ गाड़ी पे ध्रुव करके लिखा है, कैसे मैंने वाला किसी ध्रुवे करके नाम का आदमी का मालिक का इनोवा है, वो इनोवा हमारा कहते हैं दरगाह तक पीछा करते हैं। अरे आओ पीछे, वहाँ दरगाह पे ना, माहिम दरगाह पे मेरे अल्ताफ भाई हैं, कहते हैं बीरा दातार में मेरे भाई लोग हैं, तुमको गिरा के मारेंगे सब लोग, गिरा के। सबने बोला है दीदी आप टेंशन मत लो, आपके पीछे आने तो दो, इनकी शामत हम देखेंगे। दूसरी बात, मुझे इतनी सी खरोच की बात नहीं है, मेरे जो मेरे कहते ना ये यूट्यूब पे जो मुझे गलत बोलते ना, वो इन्हीं के आदमी रहते हैं, एक दो जन जो मुझे प्यार करते ना, वो इतने खतरनाक है ना, अभी तक मुझे 2000 लोगों ने बोला है माँ छोड़ो पुलिस को, आप हमको नंबर और एड्रेस दो, हम घुस के मारेंगे उन लोग को। और मैं बोल रही हूँ आधे जन इधर सुविधा में रहते इधर रहते हैं, और मैं नितिन परदेसी तुझे भी बोल रही हूँ, तूने मुझे वार्निंग, तेरे को वार्निंग देने के बाद भी तू मेरे को परसों दिखा था, तुझे याद है ना कौन दे रहा था लाइन बना के, याद है ना? जबरदस्ती मना करने के बाद मेरी तबीयत खराब थी, कभी तुम लोग सुने नहीं, तुम लोग क्या सोचे मैं पागल हूँ? ये तो था कि मैंने लिया नहीं है, मैंने फेंक दिया है तुम लोग के जाने के बाद सब चीज़ें, सबकी बैंड बजा दूंगी मैं, ये स्टेटमेंट है। मैं मर भी गई ना, मुझे पता चल गया है कि शायद मार भी देंगे ये लोग, मर भी गई ना तो ये स्टेटमेंट काम आएगा, समझे? तुम लोग साले सब लोग है ना जो हीरो हीरोइन सब मर रहे ना, सबको नशे में डाले, ये तुम लोग जैसे लोगों को ना सड़ा देना चाहिए जेल में। साले तुम लोग एक तो चोरी पर से सीना चोरी, पैसों का बल दिखा दो, तुम्हारी औकात है क्या पैसों की? सालो मैं मेरे से कमाया साल भर पैसा और मेरे को दिखा रहे हो? मैं इतना ही बोलूंगी, मैं सोशल मीडिया अच्छी अच्छों की बैंड बजाती हूँ, ऑलमोस्ट बहुत लोगों ने मुझसे पहले बहुत पैसे खा चुके हैं इमोशनली, ये वाले वैसे इमोशनली ड्रामा नहीं करने का, नहीं हो सकता है मत करो काम। मैं अब अपने आप मैं पूजे के तरीके से करूँगी, मैंने देख लिया लीगल तरीके से बोल दिया ना, अब लीगल तरीके, अब मैं माँ बगलामुखी का 7वें महीने में माँ बगलामुखी का अनुष्ठान करूँगी, माँ बगलामुखी का 1.25 लाख जप करूँगी, अब माँ इनको सजा दिलाएगी। दूसरों की जिंदगी बहुत बर्बाद करने का शौक है ना, तुम्हारे घर में तुम्हारी जिंदगी जब बर्बाद होगी तब देखना। माँ बगलामुखी की लाठी में आवाज़ नहीं है, मैं कुछ नहीं वैसी, माँ बगलामुखी का जप करते हो जप में ही माँ ऐसी लाठी मारती है ना कि चारों खाने चित्त कर देती है। अब देखो मैं क्या करती हूँ, बहुत हो गया, देख लिया मैंने कानून सरकार, मैं तो कभी गई नहीं हूँ आज तक कानून सरकार, जिंदगी में पहली बार मैंने पैर रखा था, और पैर रख के मैंने देख लिया कोई किसी के काम नहीं है, सब पैसों का खेल है। अरे पैसे चाहिए मुझसे लो, इन लोग पैसे चाहिए क्या मुझसे लो, मैं देती हूँ अगर पैसों से ईमान बेचना है तो।
क्योंकि मैंने देख लिया अगर ईमान नहीं बेचे होते ना उसी दिन जब मैं बोल रही हूँ कि सामने खड़े हैं तुरंत आके, अरे सामने से गाड़ियाँ घूम रही, सामने से लोग बिंदास खड़े होकर दारू पी रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे, कोई पकड़ा नहीं है, 12 बजे तक मैं पीछा कर रही। मेरे को ना लालच है इस बात पे, मुझे किसी को कुछ नहीं बोलना है, रिस्पेक्ट है कानून और सरकार की तरह रिस्पेक्ट है, लेकिन अंधा कानून है, कोई फायदा नहीं है। ऐसे लोगों का साथ देते पॉलिटिक्स वालों को भी बोलूँगी ऐसों का साथ मत दो, कोई फायदा, क्योंकि हो सकता है कल तुम्हारे घर में ही तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी या कोई ना कोई इनकी वजह से बर्बाद हो, फिर तुम रोओगे कि इनकी वजह से हम बर्बाद हो गए। हम पंडित तुम्हारे काम आते हैं, हम पंडित तुम्हारे इलेक्शन में तुम्हारे लिए रात भर जप करके हम तुमको इलेक्शन जिताते हैं, ये जैसे कुत्ते काम नहीं आएंगे, ये सिर्फ सेफ्टी के लिए। लेकिन अगर इन जैसे कीड़ों को आज नहीं मिटाया गया ना तो जिंदगी में कभी कोई नहीं मिटा पाएगा, और अब इनकी मिटाने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, भले 7वें महीने पे हूँ, लेकिन अगर अब मैं पूजे पे बैठ के इनकी बैंड नहीं बजाई तो देख लेना, मारना है मार दो सालो, तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ, आओ मेरे बंगले पे मारो, पीछा मत करो, बिंदास मार दो है मर दो। अब आप देखना, अब सेकंड थिंग में सबका एड्रेस निकाल के सबकी फोटो के साथ बकायदा दूसरा वीडियो बनेगा, सबकी फोटो यूट्यूब पे जाएगी, अब मेरी पब्लिक इनको देखेगी। मेरे 2000 लोगों ने मुझे मैसेज किया, मैम आप सिर्फ एड्रेस दो, हम उनके घर में घुस के मारेंगे। अब देखो, या तो इज्जत से जाके पुलिस स्टेशन में सरेंडर हो जाओ, या तो अपनी मौत को दावत दे दो, बस। जय मां बगलामुखी, जय मां निवास।